स्ट्रक्चर ऑफ दी एटमोसफेयर। तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला है जो एटमोसफेयर है ये कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो इफेक्टिव हाइट है एटमोसफेयर की वो है 16,000 किलोमीटर टू 29,000 किलोमीटर। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एटमोसफेयर हमारा आता है वो आता है 800 किलोमीटर की हाइट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एटमोसफेयर है ये डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड हमारी लेयर है मीजोस्फेयर। फोर्थ हमारी लेयर है आयनोस्फेयर। और फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग बोल सकते हैं थर्मोस्फेयर। तो दोबारा देखो जो स्ट्रक्चर है एटमोसफेयर का वो किस तरीके से है। जो हमारी हाइट है एटमोसफेयर की वो हाइट तो जाती है 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एटमोसफेयर है यानी कि जो हाइट जहाँ तक हमें स्टडी करना है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है 800 किलोमीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं वो समझने जरूरी है। सबसे पहला क्या है कि जो लेयर्स हैं या तो आप इसको बोल दो कि फोर लेयर्स हैं। फोर लेयर्स अगर बोलेंगे तो होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। या आप बोल सकते हो कि फाइव लेयर्स हैं। पहली है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेयर देखते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मीनिंग क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर मींस जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ट्रोपोस्फेयर मींस जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो जोन है हमारा, ट्रोपोस्फेयर जो जोन है वहां गैसेस की मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल पे कम होती है। तो ट्रोपोस्फेयर आपको किस तरीके से होता है ध्यान दो। यह है हमारा इक्वेटर, यह है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर। क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। And troposphere means zone of mixing of gases. And where this mixing of gases stop, that point is yeah, that layer is known as tropopause. So, a thin layer above troposphere, a thin layer above troposphere, where mixing of gases stops, is known as tropopause. दोबारा समझो। The zone of mixing of gases is known as troposphere, and where mixing of gases
stops, that thin layer is known as tropopause. तो अब यहां पे ध्यान दो, the height of tropopause varies. The height of tropopause vary. The height of tropopause at equator is maximum. The height of tropopause at equator is maximum. And when we move from equator towards the pole, the height of the tropopause decreases. दोबारा ध्यान से समझो. The height of tropopause is maximum at the equator. The height of tropopause is maximum at the equator. And when we move from equator towards the pole, or equator towards the pole, the height of the tropopause decreases. The height of the tropopause decreases. ठीक है, अब हाइट होती कितनी है इसकी? हाइट ऑफ ट्रोपोपोज एट द पोल्स, हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज एट द पोल्स इज 8 टू 10 किलोमीटर. तो ट्रोपोपोज की पोल्स पे हाइट होती है 8 टू 10 किलोमीटर. मैं रेंज के बारे में बताता हूं. एंड द हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज एट द इक्वेटर is 16 to 18 किलोमीटर. देखो अब ध्यान से समझो. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि पोल्स पे हाइट कम क्यों है और इक्वेटर पे हाइट ज्यादा क्यों है. तो इसका आंसर ये है कि सन रेज, ये हमारा इक्वेटर का पॉइंट हो गया. सन की जो डायरेक्ट रेज होती है वो इक्वेटर पे आती है, और इक्वेटर पे आने के कारण यहाँ हीटिंग बहुत ज्यादा होती है. हीटिंग होने के कारण कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से यहाँ जो एयर होती है वो ऊपर राइज कर जाती है, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ सपोज इसको हम इस तरीके से लें, मान लो ये ट्रोपोपोज है, ठीक है, तो सन की हीटिंग यहाँ पे आ रही है ज़्यादा, इसके कारण यहाँ एयर आएगी, यहाँ एयर राइज कर जाएगी, और राइज करने के कारण ट्रोपोपोज कैसे हो जाएगा इस तरीके से. और इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होगी, फिर जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे हाइट रिड्यूस होती चली जाएगी. और उसका कारण क्या है, जो सन से हीट आ रही है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम है, और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वो हीट रिड्यूस होती चली जाती है. हीट रिड्यूस होने के कारण वहां का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण जो एयर है वो कम राइज करेगी, और राइज कम करने के कारण जो ट्रोपोपोज का हाइट आएगी वो इक्वेटर से लेकर के पोल तक वेरी करेगी. ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है, ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज अकर इन दिस लेयर, यानी कि जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होंगे, फोग, फ्रोस्ट, क्लाउड, लाइटनिंग, थंडर, जितने भी ये फिनोमिना होंगे ये किस लेयर में अकर होंगे, ट्रोपोपोज में अकर होंगे. यानी कि इसी लेयर के अंदर आपका रेनफॉल, लाइटनिंग, थंडर, क्लाउड, फोग, फ्रोस्ट, मिस्ट, सब कुछ इसी के अंदर होगा. क्यों होगा, रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है डस्ट पार्टिकल्स. क्यों होगा ये? ये जो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना कर हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर इसी लेयर में अवेलेबल. ट्रोपोपोज के ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही डस्ट पार्टिकल्स और वाटर अवेलेबल है,
इसी के कारण जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो सभी कहाँ अकर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर अकर होते हैं। इसके अलावा जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है वो भी कहाँ पे अकर होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर अकर होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यहां जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर रिड्यूस होगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और टेम्परेचर रिड्यूस कैसे होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने का जो रेट रहेगा वो रहेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होगा, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो ध्यान रखना जो हमारी ये ट्रोपोस्फेयर है यहां कॉन्सेप्ट चलेगा नॉर्मल लैप्स रेट का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रोपोपोज हमने देख लिया, तो ट्रोपोपोज को अगर हम कंसीडर करें, अब ये चीज और ध्यान रखना, ट्रोपोपोज की जो अपनी जो थिकनेस होगी वो होती है लगभग 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर देखें तो क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर इक्वेटर और पोल, यानी कि ट्रोपोपोज की बात कर रहे हैं, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ट्रोपोपोज ये है हमारा ट्रोपोपोज। तो क्वेश्चन है ट्रोपोपोज में अगर हम टेम्परेचर चेक करते हैं, ट्रोपोपोज में टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो इक्वेटर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ट्रोपोपोज में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा और पोल्स पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। अगर हम ट्रोपोपोज में इक्वेटर में टेम्परेचर देखते हैं तो वो टेम्परेचर पोल्स में जो टेम्परेचर होगा उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये है कि ये है ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज में हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ट्रोपोपोज में क्या कर रहे हैं टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इक्वेटर पे टेम्परेचर चेक करते हैं, किस पे टेम्परेचर चेक करते हैं इक्वेटर पे, तो वो टेम्परेचर जो इक्वेटर में मेजर किया वो ज्यादा होगा या जो पोल्स पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा होगा। या हम इसे दूसरे तरीके से कहें, अगर ट्रोपोपोज में हम इक्वेटर पे टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो टेम्परेचर पोल्स से कम है या वो पोल्स से ज्यादा है। तो नॉर्मली जिसका आंसर सभी देते हैं सीधा समझ लेते हैं पोल्स जो है वो कोल्ड है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा, किससे लो होगा इक्वेटर से। तो क्या बोलेगा, टेम्परेचर ऑफ पोल इज लोअर देन टेम्परेचर एट पोल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट चलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन एट ट्रोपोपोज ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ट्रोपोपोज पे जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे तब
नॉर्मल लैप्स रेट वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो यहां हाइट है 16 टू 18 किलोमीटर, यहां हाइट है आपकी 8 टू 10 किलोमीटर। तो यहां जो टेम्परेचर होगा वो लगभग आएगा -45 डिग्री सेल्सियस, और यहां जो टेम्परेचर होगा वो आएगा -70 डिग्री और -80 डिग्री सेल्सियस। तो एट ट्रोपोपोज टेम्परेचर एट इक्वेटर इज लेस देन टेम्परेचर एट पोल्स। समझ आया? तो ध्यान रखना यहां नॉर्मल लैप्स रेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे। हाँ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एट इक्वेटर इज हायर देन द टेम्परेचर एट द पोल, बट एट द ट्रोपोपोज टेम्परेचर एट द इक्वेटर इज लेस देन टेम्परेचर एट द पोल्स बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया। हाँ, ये वाला लेयर तुम्हारी कवर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर।